नमस्कार, मैं हूँ सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए महेंद्र सिंह सलूजा। वार्ड संख्या 24 में सड़क के निचले स्तर के मरम्मत कार्य में आरोप। हाईवे पर पत्थर लदे ट्रक के धक्के से कराटे प्रशिक्षक की मौत। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस पीएसजी। जामुड़िया से पवन शर्मा के अनुसार, जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर चौकी के बोगरा मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पत्थरों से लदी 14 पहियों वाली लॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही एक मोटरसाइकिल 14 पहिया लॉरी के धक्के से नीचे दब गई। पुलिस ने जोरदार बचाव अभियान चलाया और पत्थरों को हटाकर नीचे फंसे व्यक्ति को निकालने के काफी प्रयास के बाद 40 के दशक में नेघा निवासी कराटे प्रशिक्षक धर्मेंद्र राम के शव को बरामद किया गया। धर्मेंद्र राम अन्य दिनों की भांति कराटे प्रशिक्षण के लिए रानीगंज जा रहा था, तभी पत्थरों से लदी 14 पहियों वाली लॉरी ने धर्मेंद्र राम को टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद चालक व खरासी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर बचाव कार्य किया। स्थानीय लोगों का प्रारंभिक अनुमान था कि पत्थर से लदी लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ काफी देर तक जम रहा। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वैरायटीज ऑफ लेडीज वियर, मेंस वियर एंड सूट पीसेस आर also available, Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341-222-1590. Rainbow Big Shop. परनपुर आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 68वां बैठक। This news is sponsored by Hillview Hospital. बरनपुर आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 68वीं बैठक वेमिनार के माध्यम से निदेशक प्रभारी बरनपुर एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र व अध्यक्ष नारकास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नारकास सदस्य कार्यालयों द्वारा प्राप्त हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर 15 कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष नरकास चल वैजयंती प्रथम इसको इस्पात संयंत्र बरनपुर द्वितीय मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय आसनसोल एवं तृतीय चितरंजन रेल कारखाना चितरंजन को मिला एवं 6 राजभाषा कृति पुरस्कार और 6 राजभाषा उन्नायक पुरस्कार के 1 राजभाषा विशिष्ट सेवा पुरस्कार। अध्यक्ष नरकासा ने अपने कर कमलों द्वारा प्राप्त किए कार्यक्रम में 46 सदस्य कार्यालय के विभाग प्रमुख एवं राजभाषा अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्रीमती राय द्वारा सभी का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य
में कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को मानना आवश्यक है। उन्होंने धारा 3, नियम 5, नियम 6 और नियम 12 के बारे में सबको अवगत कराएं। राजभाषा विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरांत बैठक को विराम मिला। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडी स्फीयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से बाजी दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन अपना। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। बरनपुर में वामपंथी संगठनों द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। वामपंथी संगठनों ने बढ़ती कीमतों, शिक्षकों की नियुक्ति के कदाचार के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया। इसका नेतृत्व दीपायन रॉय, अशोक मुखर्जी और कई अन्य नेताओं ने किया था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एडमिशन ओपन नाउ एट सेंट क्रिस्टोफर मिशन स्कूल रन बाय एंग्लो इंडियन सोसाइटी अफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली। Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. उशु एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल को मिले 11 मेडल। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। पश्चिम बंगाल के उशु एसोसिएशन ने भारतीय खेल प्राधिकरण इम्फाल मणिपुर में पहले नॉर्थ ईस्ट जोन खेलो इंडिया महिला उशु लिंग में 11 पदक, 1 रजत और 10 कांस्य प्राप्त किए। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भाग लिया। मेडलिस्ट के नाम नीचे दिए गए हैं। पहला शर्मिष्ठा बर्मन, ताजिकुआन रजत पदक। दूसरा लक्ष्मी रॉय, चांगकान कांस्य पदक। तीसरा सरस्वती रॉय, ताइजीजियान कांस्य पदक। चौथा मुक्ता मृधा, नंदाओ कांस्य पदक। पांचवा मुनीषा रॉय, ताइजीजियान ब्रॉन्ज मेडल। छठा कोयल बर्मन, 45 किलोग्राम कांस्य पदक। सातवा तुलसी राय, ताइजीजियान कांस्य पदक। आठवां जमुना सरकार, 52 किलोग्राम कांस्य पदक। नौवां सोहानी जालो, 48 किलोग्राम कांस्य पदक। दसवां प्रियंजना बावरी, चांगकान कांस्य पदक। ग्यारहवां प्रियंजना बावरी, कियांगसु कांस्य पदक। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन, सलीका कलेक्शन में आए
होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टेक्ट नंबर 8509608588। वार्ड संख्या 24 में सड़क के निचले स्तर के मरम्मत कार्य में आरोप। वार्ड नंबर 24 में पिछले चुनाव में टीएमसी पार्षद जीती थी, लेकिन सड़क के निचले स्तर के मरम्मत कार्य से लोग तंग आ चुके हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं लोगों में से एक डॉक्टर नजर इमाम अंसारी क्या कहते हैं। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 24 है। और ये जो रोड बन रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोड का जो काम हो रहा है, ये काम किस तरह का हो रहा है? जैसे थूक में सतुआ सानने वाली बात है। रोड का ना सही से खुदाई हुआ है, ना रोड पे सबू। आप रोड को देखिए, नीचे करके देखना, देखिए इसी मिट्टी के ऊपर में चीपिंग कर दी, इसी मिट्टी के ऊपर में हल्का से क्या डाल रहा, मटेरियल के नाम पे बोल के पानी के तरह खाली डाल दिया जा रहा, और उसी को डालने के बाद ऊपर चीप लगा करके एक तो ये करके काम ढंग का नहीं हो रहा। और ये लोग बोलता है हम लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। रोड के बनाने का नाम पे सिर्फ वार्ड नंबर 24 के कृषि मोहल्ले के रोड को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ के इलाके के लोगों को। ये रोड के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है। ये रोड जो बन रहा है कोई ढंग का रोड नहीं है बिल्कुल किसी। ये रोड हमको नहीं लगता है कि चल पाएगा, एक बारिश में ये रोड धुला जाएगा। यहाँ का काउंसलर टीएमसी का काउंसलर है यहाँ पे, उसका नाम फलसफी आलिया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल क्लब में NCLT का बड़ा फैसला, 104 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आसनसोल क्लब में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सही तरीके से कराने के लिए NCLT ने विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है। क्लब के सदस्य मोनिंदर कुंद्रा और अनिल कुमार जालान द्वारा नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल NCLT कोलकाता में दायर किए गए मामले में यह बड़ा आदेश आया है। NCLT ने 10 अगस्त 2022 को क्लब द्वारा जारी नोटिस को अवैध करार दिया, जिसमें 25 सितंबर को 2022 को AGM बुलाने की सूचना दी गई थी। वहीं 25 सितंबर 2022 को हुए AGM में लिए गए फैसलों को भी अवैध करार दिया। क्लब के कुछ सदस्यों का कहना है कि क्लब के 104 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह हुआ है जब कोर्ट के हस्तक्षेप से किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया। NCLT के निर्देश दिया कि अधिवक्ता रितव्रत मित्रा को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी देखरेख में क्लब में चुनाव प्रक्रिया सही तरीके संपन्न कराने के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं इस कमेटी में क्लब के 5 पूर्व अध्यक्षों को रखना होगा। कमेटी गठन के 60 दिन के अंदर चुनाव कराना होगा। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद विशेष अधिकारी परिणाम की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वह कोर्ट को रिपोर्ट देंगे। वर्तमान में आसनसोल क्लब के करीब 640 से अधिक सदस्य हैं। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS अपीयर्ड फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना।
बीए, बीकॉम, बी साइंस, एमए, एमकॉम, एम साइंस, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर 9732022768 एंड 9732024247। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए महेंद्र सिंह सलूजा। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए चेयरमैन महेंद्र सिंह सलूजा, जो कि बर्दवान के चार गुरुद्वारों के प्रधान भी हैं, उनको बनाया गया है। नौजवान चेयरमैन मिलने से और भी कार्य सेवा भावना के बढ़ चढ़कर इलाके में होंगे। वहीं नई जिम्मेदारियां पर बोले महेंद्र सिंह सलूजा, पूरी निष्ठा के साथ इस सेवा को निभाएंगे। उन्होंने कहा, पहले हमने इसी सेवा को लेने में असमर्थता जताई थी। इस कार्यक्रम में आसनसोल सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह, हरजीत सिंह बग्गा, सचिव तरसेम सिंह, कार्यकारी प्रधान सुजीत सिंह मक्कड़, महेंद्र सिंह सलूजा, मीडिया प्रवक्ता मंजीत सिंह भंगू, हरदेव सिंह, अजीत सिंह, जामुड़िया प्रधान राकेश खनुजा, पुनियाती गुरुद्वारा से सुखविंदर सिंह, दुबराजपुर से रंजीत सिंह, श्रीपुर से गुरनाम सिंह, बहुला उखड़ा से हरजीत सिंह, बधवा सरवन सिंह, रंजीत सिंह दोल के साथ अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चाह रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एस बी रोड पर। आसनसोल मंडल द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने भारतीय संविधान की महिमा और ऐतिहासिकता को प्रदर्शित करने के लिए आज 26 नवंबर 2022 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में संविधान दिवस मनाया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने भारत की संविधान की प्रस्तावना के महत्व को प्रस्तुत किया, जो राष्ट्रीय के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है और इसमें मौलिक राजनीतिक कोड संरचना, प्रक्रियाएं, सरकारी संस्थाओं की शक्तियां और कर्तव्य शामिल हैं, जो मौलिक अधिकार नागरिकों के सिद्धांत और कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। इस विचारोत्तेजक समारोह ने राष्ट्र के संविधान के प्रति अटल विश्वास और भरोसे की पुष्टि करने का आदेश प्रसारित किया। इस सम्मान समारोह में श्री एम के मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक वन आसनसोल तथा पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के शाखा अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एडुकेशन हब, ए हब ऑफ लर्निंग,
स्कूल लेवल क्लासेस, एक्सपर्ट फैसिलिटी फॉर मैथ्स एंड साइंस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर 6204919103 एंड 7001804951। कोर्ट नियुक्ति परीक्षा। फर्जीवाड़ा में पुलिस और रेलकर्मी को सीआईडी ने दबोचा। राज्य पुलिस की सीआईडी ने आसनसोल जिला अदालत में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा में आसनसोल दक्षिण पुलिस थाना के दो मामलों में एक पुलिसकर्मी तथा एक रेलकर्मी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को आसनसोल जिला अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में कोलकाता पुलिस का रिजर्व फोर्स का जवान सुचित रॉय और मालदा मंडल का चतुर्थ वर्गीय रेलकर्मी शुभंकर समाजपति है। सरकारी वकील मनोज कुमार ने कहा, राज्य सीआईडी की ओर से उनसे आगे की पूछताछ और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने और संबंधित क्षेत्रों में साक्ष्य एकत्र करने के कारण 14 दिनों की जेल हिरासत का अनुरोध किया गया था। उस आवेदन के आधार पर उनकी जमानत खारिज करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरुण कांति मंडल ने दो मामलों में दोनों को 12 दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया। इन पर मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए उत्तर पुस्तिका भेजने और मोबाइल फोन पर एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल कर उत्तर पुस्तिका देने का आरोप है। 7 दिसंबर को गिरफ्तार दोनों को सीआईडी की हिरासत के बाद फिर से इस अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जामताड़ा में नए स्टॉपेज के उपलक्ष में पूर्वा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री सुनील सोरेन माननीय सांसद दुमका ने श्री इरफान अंसारी माननीय विधायक की गरिमामयी उपस्थिति में 12303/04 पूर्वा एक्सप्रेस को आज दिनांक 26 नवंबर 2022 शनिवार को जामताड़ा स्टेशन पर इसके नए ठहराव की उपलक्ष में झंडी दिखाकर रवाना किया। आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री सोरेन माननीय सांसद ने अपने भाषण में जामताड़ा और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की लंबे समय से पोषित आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से जामताड़ा स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। इससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन सुविधा में और सुधार होगा, इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा और क्षेत्र के लोगों को हावड़ा और दिल्ली के बीच तेजी से कम्युनिकेट संपर्क करने में समक्ष करेगा। श्री इरफान अंसारी माननीय विधायक झारखंड ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने अपना स्वागत भाषण दिया। श्री शर्मा ने जामताड़ा स्टेशन का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्टेशन में और सुधार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 12303 अप हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 11:13 जामताड़ा पहुंचेगी और 11:15 रवाना होगी। जामताड़ा से 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस दोपहर
12:40 जामताड़ा पहुंचेगी और 12:42 प्रस्थान करेगी। जामताड़ा में कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा मंडल रेल प्रबंधक असनसोल ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए अंडाल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की सलाह दी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। अब आ रही आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। आई ग्रेड हाई स्कोर विदाउट स्टडिंग एंड लो ग्रेड व्हेन आई स्टडी। माई ब्रेन इज क्रेजी। जब मैं अध्ययन नहीं करता हूँ तो मुझे उच्च अंक प्राप्त होते हैं और जब मैं अध्ययन करता हूँ तो निम्न ग्रेड प्राप्त करता हूँ। मेरा दिमाग पागल है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।